अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एन अदर वीडियो। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था और उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन, क्योंकि मेरे कपड़े काफ़ी ज़्यादा जमा हो गए थे। मशीन वगैरह लगा के मैंने खाना वगैरह बनाने की तैयारी की, क्योंकि मेरी सास घर में थी नहीं और घर पे सब थे, और मतलब आपको मेरे सारे देवर होते हैं घर में और ससुर वगैरह, फिर उनके ससुर के अब्बू भी ऊपर रहते हैं, उनको भी टाइम टाइम पर खाना देना होता है। फिर मैंने खैर दाल वगैरह तैयार की और मैं बना रही थी आलू की भुजिया ना, और साथ में आलू की भुजिया बनाई और चावल बॉईल किए और खाना वगैरह बना के मैंने होना था बहुत जल्दी फ्री। और उसके बाद मैंने जाना था टेलर के पास, क्योंकि मेरे टेलर जो है, जिसमें कपड़े वगैरह अपने स्टिच करवाती हूँ, उन्होंने मेरा ड्रेस जो मतलब सिया सही था लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा लूज़ लग रहा था, और मेरा ट्राउज़र जो था वो ज़्यादा लूज़ था। हालांकि जबकि फैशन में है लूज़ शर्ट और लॉन्ग शर्ट जो है, मतलब लूज़ भी और लॉन्ग भी हो और ट्राउज़र मतलब बिल्कुल खुला ट्राउज़र हो, तो वो फैशन में है आजकल। बट मुझे अच्छा नहीं लगा अपने ऊपर, तो मैंने उसको थोड़ा ठीक करवाने के लिए उसको मैं देने के लिए जा रही थी टेलर के पास, और मुझे थोड़ा सामान वगैरह लेना था बेकरी से। हम चले गए, तो मैंने सोचा थोड़ा सा टाइम लाया, सो भी गई थी मैं, लाया को छोड़ के जल्दी जल्दी से सामान लेने के लिए आ गई थी यहाँ पे हमारे के पास बेकरी है। हाँ, मैंने थोड़ी सी चीज़ें वगैरह ली। आपको पता है कि एज़ यूजल मुझे कितनी ज़्यादा क्रेविंग होती है रात को, तो मैंने लाया के लिए थोड़ा सामान वगैरह लिया, अपने लिए सामान वगैरह लिया, और ये सुपर क्रिप्स बहुत पसंद है लाया को। पोस्ट चेक कीजिए आप लोग, अलायू से हाय, अलायू हाय करें, हाय करें, हाय। ये मामू ने पोज मारा है यार, पोज चेक कर सकते हैं। कौन सा पोज मामू? ये इस पोज का नाम बताएं। अच्छा, फाइनली जो कि खाना तैयार हो गया था बनके, मैंने दाल बनाई थी और साथ में चावल, आपको बताया भी था मैंने ब्लॉग में शुरू में, और साथ में ये भुजिया बनके तैयार हो गई थी। खब सब खाने का वेट भी कर रहे थे घर वाले, तो मैंने जल्दी से खाना वगैरह तैयार किया। और आज पता तबीयत वगैरह मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी, मुझे माइग्रेन है, मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा सुबह से ना, लेकिन मैंने किस तरह हिम्मत करके काम वगैरह जल्दी जल्दी निपटाया अपना, और मुझे नमाज भी पढ़नी थी, और मैंने जल्दी जल्दी काम वगैरह किया, बर्तन वगैरह वॉश किए, और यहाँ पे सबके साथ बैठ के पहले मैंने खाना खाया, उसके बाद मैंने बर्तन वगैरह सब वॉश किए। अब बर्तन भी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं पता है आपको, जबकि मैं हाथों हाथ बर्तन धोती रहती हूँ लेकिन मेरे बर्तन जमा हो जाते हैं एंड में। यह मशीन मुसलसल चल रही थी, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरी सास को मजलिस में 2-3 दिन पहले ये गिफ्ट मिला था, ये बोल है, और साथ में बोल कहते हैं, बाउल कहते हैं, खैर जो भी, मतलब तबरुक में मिला था, खुद पढ़ती हैं मरसियाँ वगैरह, तो उनको ये तबरुक में मिला था। और मैं आपको दिखाऊंगी मेरी सास जो कि कोयटा से दस्तरखान वगैरह मंगवाती हैं, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, और इसके प्राइस जो समथिंग 1500 समथिंग थे, तो इतने ही थे प्राइस। हाँ, तक मुझे याद है, अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझे बताइए कि कमेंट सेक्शन में, मैं आप लोग उसको उनका नंबर कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप लोग बात कर लीजिएगा। पहले ही मैंने आपको काफ़ी दफ़ा इनके ड्रेसेस वगैरह दिखाए हैं, क्योंकि उनकी अपनी शॉप भी है, वो रोज़ाना शॉप पर जाके बैठती हैं अपने, और माशाल्लाह चलती भी है शॉप उनकी, तो आप लोग जाके विज़िट कर सकते हैं। चॉकलेट वाला मुझे अच्छा लगा था, जो चॉकलेट लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ, चोको लाटे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, खैर मैंने गौर नहीं किया इतना, तो खैर मुझे ब्लैक वाला अच्छा लगा था। उसके बाद फिर मैंने कहा था घर के लिए रख भी देना ये वाला एक ना, तो खैर यहाँ पे 1500 तक की इसकी रेंज, मतलब इसके प्राइस हैं, अगर आप लोगों को चाहिए तो लोग बताइएगा मुझे। यहाँ पे मेरी माइग्रेन का दर्द जो शदीद होने लग गया था, डॉक्टर के उससे दी हुई मुझे मेडिसिन, मैंने मेडिसिन खाई और पानी के साथ, उसके बाद मैं हो गई थी फ्रेश। फ्रेश हो के मैंने नहा धो के मैं फ़्रेश हो गई थी, उसके बाद मैंने फिर अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र लगाया, क्योंकि फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी होता है, और मेरी स्किन पहले बहुत अच्छा हुआ करती है, मेरी स्किन बहुत ख़राब हो गई है, मैं बिल्कुल केयर नहीं करती अपनी स्किन की, पहले मैं बहुत केयर करती थी अपनी स्किन की, अभी बिल्कुल भी मैं स्किन की बिल्कुल केयर नहीं कर पाती हूँ। आपको पता है बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होता है चीज़ों का केयर करना, लेकिन मेरी कोशिश रहती है मैं चेहरे को अपने मॉइस्चराइज़ करके रखूँ, क्योंकि मॉइस्चर कुछ आप करें ना करें मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएं, और बाहर निकलते हुए सन ब्लॉक मस्ट यूज़ कीजिए। और ये मेरा मेकअप है, कहीं मैंने जाना हो बाहर शॉपिंग पे एक्स वाई जेड, तो मैं पहले मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, उसके बाद अपना फेवरेट टेंट लगाती हूँ, उससे अपने आप नोट कीजिएगा, आप लोग भी इसको ट्राई करना इस चीज़ को, आप लोगों को अपना आप अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने हल्का सा बस ट्रेंड अप्लाई किया अपने चीक्स पे और अपने लिप्स पे बस, उसके बाद ये है मेरा नेचुरल सा मेकअप,
जिसको लोग अक्सर समझते हैं कि मेरी ओरिजिनल चीक्स रेड हैं, बट ये ओरिजिनल है नहीं, आपको बिल्कुल लाइव बता रही हूँ, मतलब अपने व्लॉग में ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने आप ना, मुझे बहुत पसंद है लाइट सा लगाना, बस ये देखिए इस तरह से अच्छा सा लुक लगता है अपना आप, इंसान को बीमार बीमार लगती हूँ वरना मैं इतना लगाऊँ तो। यहाँ पे मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के हो गई थी फ्री, के बाद मैंने यासीन पढ़ी, और आजकल मैं यासीन पढ़ती हूँ मगरिब की नमाज़ में ज़रूर रोज़ाना, और इसके बाद मुझे अपना बीपी लो सा फील हो रहा था, मैंने फिर टैंक बना के टैंक पिया, और टैंक वगैरह पी के फिर ये होता है ना थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, और अलाया को मैंने खैर इसके बाद फ्रेश वगैरह किया, नहलाया वहलाया खुद मैं फ्रेश हो गई थी, और अलाया को मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रही थी, उसके बाद मैंने अलाया को सारा टाइम अपना दिया, और इसके बाद फिर अच्छा अलाया पता क्या करती है, ड्रॉअर में घुसती है और सारा सामान जो है निकाल के बाहर फेंक देती है, और ऊपर जो टेबल पर सामान रखा होता है उसमें भी, मतलब उसको भी टच करना, उसको भी फेंकना है। इसके बाद हम लोग मामू हम तीनों ऊपर आ गए सकते हैं, आगे थोड़ी देर बैठने के लिए, फ्रेश होने के लिए, मतलब थोड़ा सा हवा वगैरह अच्छी चल रही थी, हम लोग ऊपर आ गए। और ये था आज का छोटा सा व्लॉग, होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए जी। पकला, 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 पकला। पकला, 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 पकला।